नौतनवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज पूरे क्षेत्र का दौरा किया। वहीं नौतनवा प्रथम आगमन पर नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। अपने बीच निषाद पार्टी के मुखिया को पाकर नौतनवा क्षेत्र के निषाद जाति के लोग में खासा उत्साह देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर सरकार की लाभकारी योजनाओं का बखान किया। आपको बता दें कि मंत्री संजय निषाद नौतनवा क्षेत्र के निषाद बाहुल्य टोला भरिया पहुंचे। वहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि जिस सड़क मार्ग से वह भरिया टोला में प्रवेश किए वह रास्ता काफी जंजर था, तो किसी ने इस पर उनसे सवाल कर दिया तो मंत्री ने कहा कि 60 सालों में सरकारों ने निषादों को छला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निषादों को उनकी हिस्सेदारी मुहैया करवा रही है। टूटी सड़क पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सड़क का प्रस्ताव गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं गया होगा तो वह प्रस्ताव भिजवाकर जल्द सड़क को बनवाने का काम करेंगे। मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सैकड़ों योजनाओं का लाभ आज सीधे लोगों को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार देश व प्रदेश को उत्तम बनाने में लगी हुई है, अब सीधे योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलालों और माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते लोगों को राशन, आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि सहित दर्जनों योजनाओं से लाभान्वित करने का सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब बीच के बिचौलियों का काम खत्म हो गया है, अब सीधे लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। वहीं मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पिछली सरकारें 70 साल से उन्माद पर चल रही थी जिन्हें सुधारने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। इस दौरान मुख्य रूप से नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्देसिया, निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल निषाद, ब्रजेश मणि त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, बिशुनदेव चौरसिया, कन्हैया लाल साहू, प्रदीप पाड़े, जितेंद्र जायसवाल, अजय अग्रारी, अखिलेश तिवारी, सरदार बिक्की सिंह, सुधाकर जायसवाल, उमेश जायसवाल, किशोर मद्देसिया, सीताराम लोहिया, सोनू वर्मा, सोनू मद्देसिया, अखिलेश सिंह प्रधान सहित बड़ी संख्या में लोगों ने गुलदस्ता भेंट कर और फूल माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। चीज है सर, तीनों लोग आप लोग हैं यहाँ पे, ये किस रास्ते से आए हैं? उस रास्ता को बहुत ज्यादा आप देखे होंगे कितना खराब है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? पिछली सरकारों के द्वारा किए गए कार्य कितने गुणवत्ता विहीन हो सकते हैं, आप सब आपके आंखों के सामने हैं। 70 साल से उनकी सरकारें थी, अब क्या क्या करते गए हैं उसको दूर करने में थोड़ा समय लगता। प्रस्ताव गया हुआ है, एशिया में सबसे अधिक लंबाई का एक सड़क बनाने का इतिहास हम लोगों का, रोज काम हो रहा, धीरे धीरे सब काम हो रहा। मैं आ गया हूँ, अधिकारी निर्देश किया हूँ, जो भी प्रस्ताव गए हैं और नहीं गए हैं उन्हें दीजिए, हम लोग उसे कोशिश करके सरकार से इन समस्याओं का। मुख्य निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निषादों के लिए क्या हो रहा है, क्या उनके लिए विशेष रूप से? 70 साल से सताए गए थे, 70 साल से शिकार थे, कभी इनके लोग शिकारी थे और इन सरकारों ने वोट लेके इन्हें भिखारी बना दिया था, तो आज के दिन में शिकार थे, अब हिस्सेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदार बना रही है, बजट में हिस्सा दे के 20,000 करोड़ रुपया, दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से फ्री में बीमा है, भूमिहीन लोगों को भी 1,60,000 का क्रेडिट कार्ड है, मछुआरों को आज के दिन में 60% सब्सिडी, उनकी महिलाओं को 40% इन्हें हम सब्सिडी देकर 25 प्रकार की योजनाओं में हम इनको व्यापार मिला रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो खाली गरीब के पास, मजदूर के पास 24 घंटे के लिए आती हैं, व्यापार और व्यवसाय के लिए लंबे समय तक रहती हैं और पेशेवर के लिए हमेशा ले आती हैं जी, नौकरी के पास 30 दिन के लिए आती हैं। इनका पैसा तो छीन लिया था अंग्रेजों ने और मुगलों ने और पिछली सरकारों ने छीन, इसे वापस हो रहा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, इनके लिए, इनके बच्चों को शिक्षा रोजगार के लिए, इनकी दवाई के लिए, इनके घर बनाने के लिए अभी हम लोगों ने 25 करोड़ का मत शुरू किया, अभी उसका काम आया है पहली बार बजट में, अब इस बार कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, दिशा निर्देश हो जाएगा और एक एक मछुआरों के बच्चों को जो मेधावी हैं जिले में, हर मंडल में एक हम अभी आवासीय विद्यालय खुलवाएंगे, उसमें उनको पढ़वाएंगे और कोचिंग कराएंगे और इनके बच्चों को भी IAS पीसीएस बनवाएंगे और व्यापारियों को जो है व्यवसाय सिखाकर इन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। आपके पार्टी की जीत के लिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत खुशी जाहिर की आपके समुदाय से लेकर निषाद पार्टी से, लेकिन एक सामने ही
एक मकान गिरा हुआ है, कई बार वो ब्लॉक पे दौड़ चुके प्रमोद निषाद, तो अभी तक सुनवाई उनकी नहीं हुई, इसलिए हम समझ रहे हैं कि 6-7 महीने से। देखिए अभी हमारे आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, अभी ढेर सारे अधिकारी बुलवाए हुए, जिनकी जिनकी जो समस्याएं होंगी जो तत्काल दूर होने वाला होगा नियमानुसार उसे दूर कराया जाएगा, और जो थोड़े समय होगा उसे समय दिलाया जाएगा, और एक एक नागरिकों की सुरक्षा न्याय उन्हें संतुष्ट करना उनके। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।